नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। जनपद बहराइच में बर्ड फ्लू की दस्तक से दहशत फैल गई है। जगह जगह पक्षियों की मौत से प्रशासन समेत मुर्गी पालकों में हड़कंप मच गया है। जिले में कई जगहों पर कौओ की मौत से लोगों में डर का माहौल पैदा हो गया है। पक्षियों की मौत की सूचना पाने के बाद मौके पहुंचे उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने मृत पक्षियों का ब्लड सैंपल लेकर जाँच के लिए भेज दिया। डॉक्टर एस एन यादव ने बताया कि जाँच के बाद ही पता चल सकेगा कि पक्षियों की मौत का कारण क्या है। उन्होंने ये भी कहा कि बर्ड फ्लू के चलते जिले में जितने भी पोल्ट्री फार्म हैं उनको जागरूक किया जा रहा है। अनस तारिक की रिपोर्ट। मोबाइल पर खबर मिली कि एक राजीव चौराहा में कौआ मरा पड़ा है, वो कूड़े में पड़ा था, तो मैंने त्वरित कार्रवाई करते हुए वहां मौके पर पहुंचा और उसको जांचा, तो प्रथम दृष्टया तो मुझे स्वाभाविक मौत लगा। फिर भी मैंने जो है, क्योंकि आजकल बीमारी बर्ड फ्लू जैसी बीमारी जो जूनोटिक है, जो मनुष्यों में भी फैल रही है, उसके परिपक्ष में मैं उसको आगे की जांच के लिए सैंपल वो शव को सुरक्षित रख लिया है और जो है इसको जो है आगे की जांच के लिए आगे जहां लैब हाई सिक्योरिटी लैब है वहां के लिए भेजा जाएगा। मैंने जो है विभाग जो है जागरूकता अभियान चला रहा है। बर्ड फ्लू बीमारी जनमानस में न हो इसके लिए हर मुर्गी पालकों से, मुर्गी फार्म व्यवसायियों से संपर्क करके और वहाँ मौके पर जा करके उनको बतलाया जा रहा है कि जो जंगली पंछी बाहर से आ रहे हैं वो हमारे जंगली पंछियों को बीमारी पैदा कर रहे हैं और जंगली पंछी हमारे पंछियों में मिलेंगे तो बीमारी जंगली पंछियों से हमारे पंछियों में हो जाएगी और उसके खाने के बाद तब मनुष्यों में आएगा। इसलिए हम चाहते हैं कि जंगली पंछी हमारे मुर्गी में, हमारे पंछियों में, पालतू पंछियों में न मिलने पावें, किसी कीमत पर न मिलने पावें और साफ सफाई रखा जाए, बायोसिक्योरिटी जो तरीका है उससे उसको बनाया जाए।